वजह से पूरे देश को घरों में कैद होना पड़ा, जिसकी वजह से करीब 1.5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश की अर्थव्यवस्था तक मंदी की शिकार हो गई। अब उस कोरोना महामारी की दवाई करीब 10 महीने लंबे इंतजार के बाद बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी पहली तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। हवाई यात्रा से कोरोना वैक्सीन के करीब 2,41,000 डोज हरियाणा को मिल चुके हैं। इसकी जानकारी पहले खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी थी, जिसके बाद कुरुक्षेत्र के राज्य स्तरीय कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन रखवा दी गई थी। वैक्सीन है कोविशील्ड, ठीक है, ये करीब 2,41,500 के करीब डोजेज आए हैं। सारी जो पूरे हरियाणा में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी जो फर्स्ट डोज हमने देनी है, वो वैक्सीन यहाँ पर लाई गई है। यहाँ से जो हमारे अदर रीजनल सेंटर्स हैं उनके अंदर पहुँचाई जाएगी, रीजनल सेंटर से फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। तो कहाँ कहाँ कुरुक्षेत्र से, पूरे हरियाणा कुरुक्षेत्र? हाँ, नहीं नहीं, कुछ जिलों में जहाँ पर हमारे यानी कि जो वेयर हाउसेज हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे जैसे हमारा रोहतक के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, हिसार के अंदर है और चौथा कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो कितना समय लगा भाई ये रही है? ये काफ़ी कीमती है, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था इसका, आखिरकार अब देखो बड़ी अच्छी बात है हरियाणा के लिए कि भाई ये कोविड वैक्सीन हरियाणा के अंदर आ गई है और जो हमारा फर्स्ट फेज के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन बिल्कुल लगेगी। 16 तारीख से इसका यानी कि लॉन्च होगा वैक्सीन। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से प्रदेश में इसके रख रखाव और लाने ले जाने को लेकर ड्राई रन किया गया था, जिसमें डमी वैक्सीनेशन पर टीकाकरण की रिहर्सल की गई थी। अब जब हरियाणा को वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है तो इसे कुरुक्षेत्र में रखा गया है, जहां से उत्तर प्रदेश के रीजनल कोल्ड स्टोरेज हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में भेजा जाएगा। इसके बाद इन्हें स्वास्थ्य कर्मियों को लगाने के लिए अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। जो स्टेट का वैक्सीन स्टोर है कुरुक्षेत्र, यहाँ पे कोविड की कोशील्ड वैक्सीन आई है, 2,41,000 लगभग 2,41,000 डोजेज आई है हमारे पास। ठीक है, आगे हम यहाँ से जो रीजनल सेंटर है हमारे गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, वहाँ पे स्टेट गाइडलाइन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ से आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी और 16 जनवरी को इसकी लॉन्चिंग है, हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। पहले फेज में ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है, जो सबसे आगे खड़े होकर कोरोना मरीजों की देखभाल और इलाज में लगे थे। कर्मचारियों को टीका लगवाने में कोई आपत्ति ना हो, इसके लिए उन्हें पहले ही इसकी डोज दी जाएगी। इसके बाद बाकी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी।